तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू रहेगा हमारा, वो आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 43,000 जो हमारा अभी अगला रेसिस्टेंट है, और बोले ऑलमोस्ट वहीं पर ही बैंक निफ्टी खड़ा है। तो क्या यहाँ से अभी हमें ब्रेकआउट मिलेगा? अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे आगे जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते? क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे? क्या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो वहाँ पर आपको शायद एक लेवल्स मिला होगा कि 43,600 का। तो क्या अभी हमारे पास वो लेवल्स निकल के आएगा? तो क्या क्या संभावनाएं रहेगी अभी अगले दिन, कल का, या एक दो दिन की बातें आगे की? क्योंकि अभी कल हमारे फिन निफ्टी में अगर देखें तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे, और उसके अगले दिन बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आएगा। आज एक दिन थोड़ा मतलब जल्दी एक्सपायरी इस बार इस वीक में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 26 तारीख को मार्केट को मतलब ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगा। तो इस बार इस वीक में हमें एक ट्रेडिंग सेशन कम मिलेगा, तो उसके हिसाब से क्या व्यू रहेगा? क्या अभी हम पोजिशनल ट्रेड लेके जाए या न जाए? कहाँ पे हम पोजिशनल बनाए ट्रेड, सी साइड या पी साइड, वो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा जानने के लिए क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को, आप वीडियो को आप पूरा देखिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे जो व्यू रहेगा आपको बताएंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर चलेंगे कि निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा कल के दिन, और आज के लिए जो हमने लेवल्स आपको दिए थे लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, और उसमें क्या उसके हिसाब से आज कामकाज हुआ है वो भी चेक करेंगे, और कल का भी व्यू हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले आज का अगर देखें तो कल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो आपको लेवल्स दिए थे, मतलब जो बाय और सेल्स के लिए जो लेवल्स दिए थे मेन, कि उसके अगेंस्ट मतलब उसके बाहर ही हम बाय और सेल का पोजिशनल बना सकते हैं। तो अगर देखें तो लेवल के हिसाब से हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो कुछ जो प्लानिंग आपको कुछ समझाया था कि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, अगर यहीं कहीं आपको कुछ जो 70-80 पॉइंट का गैप अप आपको दिखाया था कि यहीं कहीं हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम एक बार यहाँ तक मतलब 18,150 तक आने का मतलब वेट करेंगे, और फिर से वहाँ से सेलिंग पोजिशन सेलिंग ट्रेड बनाएंगे वहाँ से पुट साइड, और इन लेवल्स पे आके आता है तब तक का वेट करेंगे, और यहाँ से फिर हम बाइंग का ट्राई करेंगे, बाइंग पोजिशनल बाइंग ट्रेड बनाएंगे। ये हमारा प्लानिंग था कि यहीं कहीं गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से एक बार हम सेलिंग पोजिशनल बनाएंगे, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता है तो फिर बाइंग के लिए हम चलेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे जो लेवल्स था आपको जो समझाया था उसके हिसाब से वहाँ से मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट निफ्टी वहाँ गया, और वहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल दिया है। हालांकि 10 पॉइंट 10-15 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा है, पर वहीं से सपोर्ट लेके फिर से निफ्टी अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है। मतलब ऑलमोस्ट अपना एक जो प्लानिंग था उसके हिसाब से निफ्टी में चला है, और आशा करता हूँ कि आपका कुछ अच्छा सा ट्रेड बनना हो। और वैसे तो देखा जाए तो कुछ खास मतलब दिन नहीं है कि ट्रेंडिंग डे नहीं रहता, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत साइडवेज, पर एक दो ट्रेड अच्छे खासे बन गए होंगे। आशा करूँगा कि प्रॉफिट में आज रहे होंगे आपके। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही, जो आपको फाइनल टारगेट दिया था गैप अप ज़्यादा थोड़ा मिल गया, और गैप अप की वजह से हमारा कुछ प्लानिंग भी मतलब बिगड़ता हुआ दिखा है। मतलब ऑलमोस्ट तो सही है ना, तो कोई स्टॉप लॉस टारगेट कुछ ज़्यादा कुछ हिट हुआ नहीं है, इन्हीं लेवल्स को आपको फाइनल टारगेट दिया था, और यहीं से आपको एक बार सेलिंग के लिए बताया था कि इसी लेवल से फिर हम बाय करेंगे। उतना तो डिप नहीं मिला, पर एक सेलिंग ट्रेड छोटा सा मिल गया, और इससे यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके मार्केट कंसोलिडेट करने लगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ठीक ठाक दिन रहा, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा। अभी कल क्या व्यू रहेगा निफ्टी में? निफ्टी का अगर देखें तो बाय सेल के लिए सेम यही लेवल्स
आज भी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, लेवल्स आपके सामने। कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा क्या क्या करना है, उसी हिसाब से आज भी चलना है। अगर एक बार आपको थोड़ा क्लियर कर दो कि ये जो लेवल्स है 18,065, इसके ऊपर निफ्टी जब रहता है जब तक, तब तक हमारा व्यू बाय द डिप वाला रहेगा। अगर हो सकता है कल साइडवेज या गैप अप या थोड़ा छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाए, तो फिर से अगर 18,065 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से फिर से हम बाइंग का ट्राई करेंगे। अगर कोई बाइंग पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिलता है, कोई भी स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक, तो वहाँ से हम बाइंग ट्रेड बनाएंगे और फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे 18,150, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 18,185 का, और सेकंड टारगेट रहेगा, थर्ड टारगेट रहेगा 18,250 का। तो और दूसरा अगर बताऊँ कि यहाँ से अगर आज की तरह गैप अप देखने को मिलता है यहीं कहीं, या साइडवेज देखने को मिलता है, अगर इसी लेवल्स पे फिर से आता है, अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ से फिर से एक बार डाउन साइड पुट साइड का एक ट्रेड बना बना सकते हैं। और टारगेट यहाँ मतलब ये जो लेवल्स है 18,080 के आसपास और 65, यहाँ तक का हम प्लानिंग रखेंगे। बीच में हो सकता है ये डल के रह सकता है, तो फुल एंड फाइनल टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। यहाँ से फिर से एक हम बाई साइड का व्यू रखेंगे। अगर मार्केट का डेटा और कुछ स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव और न्यूट्रल कहा जाए तो कह सकते हैं हम। और FII DII की बात करें तो FII सेल करके गया, DII की बाइंग है, मतलब एक FII के अलावा बाकी सब पॉजिटिव न्यूट्रल है। तो ज़्यादा कुछ गिरावट या कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा वो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हो सकता है आज की तरह गैप अप ओपनिंग के बाद या गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट साइडवेज चला जा सकता है, तो कोई ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड बना सके, कोई गैप अप बहुत बड़ा अपर साइड रैली डाउन साइड रैली, वो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी में बात की जाए, निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लेना कि ये लेवल्स हमारे पास कल भी यही लेवल्स रहेंगे ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी का अगर बताऊँ, बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रक्चर बताऊँ तो स्ट्रक्चर एकदम मतलब पॉजिटिव है कि अभी भी अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर आपको जो लास्ट और अगले एक वीकली एनालिसिस में आपको मैं ये लेवल्स आपको चार्ट पूरा दिखाया था, जब यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ये ब्रेक डाउन आएगा, बहुत बड़ा फॉल आएगा, तब हमारा व्यू क्या था वो आपको मैं यहाँ पर बताया था। हम ब्रेक डाउन की हम भी बात कर रहे थे, पर कब, कि जब ये लेवल्स 41,650 ब्रेक होता है तब की बात है, नहीं तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से बन रहा है, और उसके हिसाब से अगर मूवमेंट देखे तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट मिलना चाहिए। और जो अपसाइड का आपको टारगेट दिया था 42,950 का, और वो आज ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्टली वही पॉइंट्स पे जाके टारगेट हमारे जो अपसाइड के लिए जो पोजिशनल आपको बताए थे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है आज टारगेट। तो अभी अगर सब लोग अगर बात कर रहे हो कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में अब आएगा, ना कि इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। एक मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर था, अगर बोल सकते हैं कि मार्केट के बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेट एरिया में चला गया था, तो हाँ रेंज ब्रेकआउट थोड़ा सा लिटिल बिट हम बोल सकते हैं। पर अगर यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक भले इंट्राडे के हिसाब से अगर देखने जाए तो साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा था, अगर गैप अप गैप डाउन की बात करें, अगर पूरे ये जो मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है अगर वहीं की बात करें तो स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल पॉजिटिव था जो आपको लेवल्स दिया था। अगर यहाँ पर हम देखे जाए तो एकदम मार्केट बैंक निफ्टी एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा था। तो ये तो अभी क्लियर हो गया कि मार्केट में एक ब्रेकआउट मतलब जो था हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अभी ब्रेकआउट लेवल हमारे पास यहाँ पे आया है, जो लेवल से 42,950, यहाँ ये लेवल्स रहेगा हमारे लिए कि मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो इसके हिसाब से डिसेंडिंग ट्रैगल के हिसाब से
अगर देखे जाए तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, और एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा मतलब पोजिशनल व्यू हो जाएगा अगर डेटा के हिसाब से अगर देखे और कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स के देखे, तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अभी नीचे आना चाहिए। कल शायद हमें 43,000 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ब्रेकआउट लेवल भी हमारा वही है 42,950 से लेकर 43,000 के ऊपर। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल या परसों कभी भी 43,000 के ऊपर सस्टेन रहता है, क्लोजिंग दे देता है सक्सेसफुली वन डे हिसाब से, तो फिर सस्टेन होता है, तो फिर मान लो कि हमारे पास अगला लेवल्स होगा ये 43,600 एक पोजिशनल लेवल्स के हिसाब से। अगर पोजिशनल ट्रेड लेके जाना चाहते हो तो फिर अपने रिस्क पे अपने रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से लेके जाना है, और अपना भी खुद का भी कुछ एनालिसिस लगाए, अपना भी कुछ व्यू इसमें बिठाए, और आपको लगता है सही है जाना चाहिए इसको पोजिशनल लेके कॉल साइड, तभी आप जाइए, वरना फिर इग्नोर करें। जो इंट्राडे लेवल हिसाब से आपको मिलता है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा व्यू है कि अगर 42,950 या 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास ये रेंज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा 43,600 का। वहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, मतलब वहाँ नेक्स्ट जर्नी रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है बैंक निफ्टी 42,950, तो फिर हम इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर चलते आए और वहाँ से बैंक निफ्टी में फॉल आता है, तो फिर से हम एक बार यही हमारे जो स्विंग लो है वहाँ पर टेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि लेवल से 41,800 से लेके 41,600 का, ये हमारा पास फिर से एरिया आ जाएगा कि वहाँ तक बैंक निफ्टी फिर से फॉल कर सकता है। तो ये तो अभी हो गया थोड़ा बड़ा व्यू, बड़ा पोजिशनल की अगर बात की जाए। अगर इंट्राडे हिसाब से अगर देखें कि कल हमारे पास क्या रहेगा फिर से ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे में क्या कहाँ पे बाय और सेल बन सकता है। अगर पहले आपको मैं सेलिंग का लेवल अगर बताऊँ, सेलिंग देखो आप दो तरफ से कर सकते हो। एक यहाँ पर अगर आपको मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊँ, एक ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी लगातार जो आपको अभी पहले उस चार्ट में दिखाया कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो अभी वो फॉर्मेशन ब्रेक हुआ तो वहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक हम पोजिशनल सॉरी पोजिशनल नहीं, पर वहाँ से हम डाउन साइड ट्रेड बना सकते हैं। पर ट्रेंड लाइन पे मैं कहता हूँ ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, जो भी है हम ओरिजोनटल जो लेवल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस उसके हिसाब से चलेंगे। जो जो लेवल्स रहेगा हमारा सेलिंग के लिए, अगर जो देखो एग्रेसिव सेलिंग हमारा कहाँ बन सकता है वो लेवल्स आपको मैं बताऊँ, तो इसके नीचे जो 42,000 से 400 इसके नीचे ही हम एक एग्रेसिव सेलिंग का माहौल बना सकते हैं। पर अगर यहाँ से मान लो, पहले आपको मैं एक बार लेवल्स पूरे सारे के सारे ड्रॉ कर दूं, बाद में आपको लेवल्स क्लियर करूंगा। तो वही कल के लेवल्स रखते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस आज नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेवल इस व्यू के हिसाब से कल के लेवल ठीक ठाक है। हाँ, तो ये रहे अभी हमारे लेवल्स जो पुराने थे कल के। वही देखो अभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, हालांकि दिख तो नहीं रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग। अभी SGX को अगर देखे तो ऑलमोस्ट वो फ्लैट चल रहा था, अभी भी फ्लैट ही है। और डाउ जोन्स की बात की जाए, नैसडेक वो अभी ओपन नहीं हुआ है, डाउ जोन्स -30 पॉइंट है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट है। मतलब मान लो कल भी बैंक निफ्टी साइडवेज या गैप डाउन खुलता है तो पहले क्या व्यू रहेगा, साइडवेज खुलता है तो 42,900 से लेके अगर ब्रेकआउट्स नहीं देता है तो फिर से वहाँ से हम सेलिंग प्लानिंग बना सकते हैं, और जो कि टारगेट रहेगा हमारे पास 42,730 का, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक का 42,600 का ये हमारे पास टारगेट रहेगा।
और थर्ड टारगेट यहाँ तक का फॉल हम लेके जा सकते, मान लो कि एक साइडवेज या छोटा मोटा गैप डाउन मिल गया तो फिर एक यहाँ तक हम देख सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ यहाँ तक मार्केट बैंक निफ्टी आ सकता है, और फिर से यही लेवल से हम बाइंग का व्यू रखेंगे कि यहाँ से फिर से हमें पॉजिटिव कोई कैंडल्स या पैटर्न कोई भी मिलता है बुलिश तो वहाँ से फिर से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर और मान लो कि ज़्यादा अगर फॉल आ गया तो यहाँ से फाइनल यही लेवल्स रहेगा कि इसके ऊपर जब तक 42,350 400 इसके ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी तब तक हमारा बाय द डिप वाला व्यू रहेगा, मतलब कहीं भी बाउंस डिप आता है तो इन्हीं सपोर्ट के आसपास से आप बाइंग का पोजीशन आप बना सकते हो। सेलिंग कब रहेगा हमारा फुल एंड फाइनल, कि जब 42,250 ब्रेक करेगा नीचे की साइड तब ही हम सेल के लिए जाएंगे, मतलब एग्रेसिव की बात कर रहा हूँ, तभी हम सेल के लिए जाएंगे। तब तक सेल इग्नोर करेंगे, तब तक हमारा व्यू जो आपको बताया 42,350 के ऊपर हमारा बाय द डिप रहेगा। यहाँ पर भी आपको सेलिंग कब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप रिवर्सल ट्रेड कर पाते हो तब की बात है। अगर आपको रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करते हैं वहाँ से अगर आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है तो फिर आप इग्नोर करें रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, तो फिर ये फॉल को अब ट्रेड मत करिए, तो फिर आप एक सपोर्ट का वेट करिए कि सपोर्ट के पास आता है जब 42,500 600 700 या 400 इन्हीं लेवल्स के आसपास आता है तो फिर वहाँ पे आप बाइंग करने का ट्राई करें, ना कि आप सेल का। अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर पाते हो आपको समझ में आता है तभी ये ट्राई करना है। अगर मान लो कि गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट इसके ऊपर ही हमें मिल जाता है 42,950 के ऊपर तो फिर वहाँ पे हमें अगर बड़ा गैप अप मिलता है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन का हम वेट करेंगे। अगर कोई भी प्राइस एक्शन हमें मतलब स्ट्रक्चर मिलता है बाइंग का तो वहाँ से हम मतलब आपको पता ही है कि इसके ऊपर 42,400 के ऊपर हमारा बाइंग का ही व्यू रहेगा। तो अगर इसके ऊपर भी हमें कल सीधा गैप अप ओपनिंग मिल गया 43,000 के ऊपर तो इन लेवल्स को सस्टेन करता है तो फिर आप बाइंग साइड आप कंटिन्यू कर सकते हो। और टारगेट जो रहेंगे हमारे पास, जो फर्स्ट टारगेट आएगा 43,000 के ऊपर, यहाँ पर आपको अगर बताऊँ तो पहला ए स्विंग लेके चलेंगे इंट्राडे हिसाब से 43,170 का, और सेकंड टारगेट लेके चलेंगे ये एरिया 43,300 का, और बाकी आपको जो लेवल्स अभी दिए है इसको भी आप नोट कर सकते हो। ये रेंज अपने पास ओपन हो जाएगा पोजिशनल ट्रेड अगर बनाना चाहते हो आपको, फिर भी अगर ज़्यादा कुछ है कि ना मेरे को बाय करना ही है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि इन द मनी लेके जाओ, क्योंकि एक्सपायरी और वीक्स का अगर हम देखें कि 16 के नीचे वीक्स इंडिया वीक्स चल रहा है तो ज़्यादा कोई मतलब मार्केट में वॉलेटाइलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि आपको प्राइस में मूवमेंट जल्दी दिखेगा। अब तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन अभी मत रखिए क्योंकि हो सकता है प्रीमियम डीके का भी हमें सामना कर सकते हैं हम। तो ये सब व्यू रहेगा हमारे पास, ये टारगेट रहेगा अपर साइड के लिए 43,000 के ऊपर। अगर मान लो छोटा मोटा साइडवेज गैप अप या मिल जाता है तो 43,000 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन लेके जा सकते हैं ये दो लेवल से। तो टारगेट हमारे पास रेसिस्टेंस ये निकल के आएगी, टारगेट बोलो या रेसिस्टेंस, तो बस सिंपली यही व्यू रहेगा हमारा कल के लिए और आने वाले 2 दिन के लिए, मतलब अभी जो एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी भी आ रहा है मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है, हो सकता है हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि शायद ये लेवल्स अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल गई तो 43,600 जल्दी ही आ सकता है। और थोड़ा पॉजिटिव मतलब व्यू अभी बना हुआ है तो ज़्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ना ना फॉल कब सोचेंगे, जब कोई बड़ा न्यूज़ आता है तब की बात अलग है कि तभी ये फॉल आएगा, नहीं तो फिर मुझे लगता है मार्केट 43,000 के ऊपर सस्टेन होगा और हमें नेक्स्ट टारगेट जो भी आपको दिखा है उस हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। तो बस सिंपली
यही व्यू रहेगा हमारा कल के लिए और परसों के लिए भी, और अगले दिन 26 तारीख को छुट्टी रहेगी। तो वीडियो हम इधर ही ख़त्म करेंगे। तो अभी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उनको भी कुछ मदद हो, हेल्प हो वीडियो एनालिसिस देख के कल ट्रेड करने में। तो बस वीडियो इधर ही ख़त्म करना चाहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।